नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दूं, इस वक्त मैं खड़ोली विस्तार में हूं, सुरंगी विस्तार में हूं, जहां पर स्थानीय नेता संजय रावत और शांतु पवार की पूरी टीम के साथ यहां पर व्यापारी और तमाम जो वर्ग के लोग हैं आज एक मंच पर नजर आ रहे हैं। बात यह है कि आज 22 जनवरी सोमवार के दिन अयोध्या में श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े धूमधाम के साथ सुबह से ही जोरों में चल रहा है। ऐसे में आज जो इस विस्तार में कार्यक्रम हो रहा है, पीछे से आप सुन रहे होंगे कि किस तरह से लगातार जो है जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और हर जगह पे राजा रामचंद्र की जय का जय घोष जो है वो लगातार किया जा रहा है। संजय भाई, खास तौर पर स्थानीय विस्तार है, इस विस्तार में लोग आना पसंद नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं इस विस्तार को एकजुट करके लोगों के बीच में जिस तरह से आप उतरने का काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस विस्तार पर? पहले तो मैं सभी को जय श्री राम बोलना चाहूंगा। आज बहुत ही खुशी की बात है कि अयोध्या में भगवान श्री राम जी रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो चुकी है विधि विधान से। तो आज हमारे सुरंगी विस्तार में भी हम हवन कुंड वगैरह करवा के और हमारे जितने भी व्यापारीगण है, इंडस्ट्रीजगण है या फिर राम भक्त है, सब मिलके खुशी का माहौल यहाँ उत्साह है देखा जा रहा है। और 500 साल के बाद ये ऐसा मौका आया है कि पूरे देश भर में नहीं, विदेशों में भी ये ऐसे ही दिवाली मनाई जा रही है और 500 साल वाली ये दिवाली है जी। खास तौर पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि स्थानीय विस्तार है, लगातार ये दोनों भाई एक साथ एक मंच पर नजर आते रहते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़े हैं। आप दूसरी तरफ देखेंगे तो महिलाएं भी हैं, मैं चाहूंगा आप सब आगे भी आ जाएं और देखिए हर तरफ जो लोग जुड़े हैं आज उन सबसे बात करने की कोशिश करेंगे। पहली बार लगातार सिलवासा न्यूज लाइन जीरो ग्राउंड पर पहुंचकर आज आप लोगों के सामने कुछ ऐसी बातें करेगा जो आप लोग भी चाहेंगे कि आखिर क्या बात है, कि इस तरह की बातें क्यों नहीं लोग बोलते थे, लेकिन आज वो लोग बोलेंगे। शांतु भाई, मैं खास तौर पर चाहूंगा, स्थानीय विस्तार से आते हैं, स्थानियों में किस तरह से हिंदुत्व का जोश जो है उभर कर नजर आ रहा है? आज हर जगह हिंदुस्तान के हर कोने में दिवाली का उत्सव मना रहा है। तो हमारे ये खानवेल जिला के आदिवासी पट्टा है, आदिवासी विस्तार है, यहाँ से पालघर जिला नजीक है, नासिक जिला नजीक है, कपराड़ा तालुका नजीक है, तो ये दोनों जिलों से आदिवासी विस्तार में भी लोगों में पहले से राम नाम तो हम सदियों से सुनते आए हैं, हर घर में राम पहले से थे, मगर अयोध्या में आज 500 वर्षों से जो रामलला वनवास थे, तो आज सही में उसको अपना घर, हक का घर, जो जहां जन्म हुआ राम का, वहां आज विराजमान है और हमारे पंत प्रधान नरेंद्र मोदी के हाथों से आज उधर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और वही हम सब में आज हर हिंदू भाई के। चलिए, जैसा इन्होंने अभी बताया है तो मैं आप सभी के सामने एक सवाल रखता हूँ, क्या अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते तो क्या आज आम सनातनियों को यह दिन देखना नसीब होता? मैं चाहूंगा देखिए अभी कुछ और महिलाओं से बात करें, क्या मेरा सवाल सिर्फ एक ही है, क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते नहीं तो क्या आज हमें ये नसीब होता यह दिन देखने का? नहीं होता, क्या कहना चाहिए? नरेंद्र मोदी होते तो आज हमारे एक दिन नहीं देखने को मिलता। रामलला विराजमान हो चुके हैं, क्या कहेंगी? यानी चारों तरफ। संजय भाई क्या कहेंगे, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते तो क्या आज हम ये लोग ये दिन मना पाते, आज सेलिब्रेट कर सकते, देश दिवाली मना पाता क्या? देश दिवाली मना ही नहीं पाता और हिंदू धर्म राम नाम लेने से भी जेल में डाल दिया जाता है, जो मुलायम सिंह गोली से उड़ाया दिया जाता है, ये मोदी के कारण संभव हुआ है। मोदी 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 की गुणगान यहाँ पर लोग थमने से नहीं हो रहे क्योंकि पूरा एरिया देख रहा है। मैं चाहूंगा ऊपर उठा के कैमरा एक बार दिखाइए, मैं सिर्फ इस शो
चौकड़ी पर मैं खड़ा हूँ जहाँ पर सभी लोग खड़े हैं। ऐसे में व्यापारी बंधु जो है यहाँ पर, उनसे भी जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? हमारे को बहुत उत्साह और उत्साह के भाव के मन में, हमारे तो राम यानी कण कण और मन मन में बसे हुए है कि ये हमारा सौभाग्य, आज सौभाग्य दिन है कि हमारे को जैसे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री मिले। मतलब मोदी नहीं होते तो ये दिन नहीं होता। अगर मोदी जी नहीं होते, अगर मोदी नहीं होते तो ये नामुमकिन है। अगर मोदी जी है तो मुमकिन है। इस विस्तार में भी पुलिस की गाड़ी, पुलिस के चाक चौबंद व्यवस्था जो है, पुलिस भारी मात्रा में यहाँ पर मौजूद है ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। हर तरफ जो लोग हैं वो ये देख रहे हैं कि किस तरह से राम भक्त जो है वो जश्न के माहौल में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे भक्तिमय माहौल जो है ये इस विस्तार में देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं पूरे दिन सुबह से ही यहाँ पर लगातार अलग अलग प्रकार से कई कार्यक्रम जो है हो रहे हैं। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि लगातार सभी के मन में एक सवाल आ रहा है कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी नहीं होते तो आज हम सभी सनातनियों को यह दिन नसीब नहीं होता। यहाँ पे कुछ और युवा जुड़ रहे हैं जो लग रहा है इंडस्ट्रीज फील्ड से, क्या कहना चाहेंगे? अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते तो ये दिन देख पाते हम? मोदी है तो मुमकिन है। गारंटी बोले तो मोदी की गारंटी है। मोदी जो बोलते हैं वो करते हैं, जो नहीं बोलते हैं वो पहले करते हैं। मतलब कुल मिला के अगर मोदी नहीं होते तो यह दिन नसीब नहीं। हर मोदी, हर मोदी तो बाकी है, काफी मतलब बाकी है। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरह से जश्न जो है वो मनाते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सिलवासा न्यूज लाइन का मानना था कि हमारे प्रदेश के ग्रामीण विस्तार में भी जाकर ये सारी चीजें हमारी जनता को दिखाया जाए कि आखिर गांव विस्तार में आज की इस रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के बाद माहौल कैसा है। तो कहीं ना कहीं सिलवासा न्यूज लाइन देख रहा है कि पूरे विस्तार में जो है भगवामय पूरा माहौल नजर आ रहा है। इसी तरह फिर मिलेंगे अगले खबर में, तब तक के लिए जय सिलवासा।